हे hey, स्वागत है आप सबका फिलिपियों की इस शिक्षा में। आप सबको जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम फिलिपियों के दूसरे अध्याय के पांचवें, छठे और सातवें पद को पढ़ चुके थे और हमने पिछली कुछ शिक्षा में ये सुना और ये जाना कि कैसे हमारा स्वभाव भी मसीह यीशु के स्वभाव के समान होना चाहिए। इसकी महत्वपूर्णता को हमने समझा, पर हम मसीह का स्वभाव कैसे जाने, हम कैसे उसके स्वभाव में ढल सकते हैं, इसको पौलुस ने छठे, सातवें, आठवें पद में समझाया है। और मैं चाहूंगा कि हम इन पदों को ध्यान से पढ़ें। मैंने पिछले शिक्षा में कहा था कि कैसे अगर एक विश्वासी परमेश्वर की सामर्थ में चलना चाहता है उसकी कुंजी क्या है, और हमने उसके बारे में सीखा। मैं दोबारा इन पदों को दोहराना चाहता हूं ताकि आप इसकी महत्वपूर्णता को समझें, ताकि आप भी मसीह यीशु के परिपूर्ण सामर्थ्य में चल सको। क्योंकि लिखा है, जैसा वो है वैसे हम इस पृथ्वी पर हैं। आमेन। तो अब पौलुस हमें छठे, सातवें और आठवें में समझाता है मसीह के मन के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, ताकि हम भी उसकी समानता में ढल जाएं। छठे पद में हमने देखा कैसे परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी, उसकी समानता में होने के बाद भी, प्रभु ने इस विषय को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसने इस विषय को छोड़ दिया और इतना ही नहीं, अपने आप को शून्य कर दिया अपनी क्षमताओं से। उस ईश्वरत्व के भाग से उसने परिपूर्ण रीति से अपने आप को शून्य कर दिया, उन सारे सौभाग्य से, उस सारी सामर्थ से। और क्या किया, सातवें पद में आगे लिखा है, दास का स्वरूप धारण किया। किसका रूप लेकर वो आया? दास का स्वरूप धारण करके। और इतना ही नहीं, मनुष्य की समानता में हो गया, लिखा है। परमेश्वर की समानता को छोड़कर अब वो मनुष्य की समानता में हो गया, हमारी तरह बन गया जैसे हम हैं, ताकि आज सच में वो पद जो पहले योना में लिखा है कि जैसा वो है वैसे हम इस पृथ्वी पर हैं, ताकि हम इसकी परिपूर्णता में चल सके कि अगर प्रभु यीशु ने किया तो हम भी कर सकते हैं। क्या हम अपनी क्षमताओं में इसको कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर का पुत्र भी अपनी क्षमताओं पर निर्भर नहीं था, वरन प्रभु यीशु खुद परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर था, तो हमें कितनी ज्यादा आवश्यकता है परमेश्वर पर निर्भर रहने की। और फिर मैंने बताया कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य में चलने के लिए एक कुंजी हम इस पद में पाते हैं, वो है कि हम को भी प्रभु यीशु के समान खुद से, अपने आप से, हमें खुद को अपनी क्षमताओं से अलग करना है, शून्य करना है, ताकि हम परिपूर्ण रीति से परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हों। और हमें अनुमति देना है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपनी सामर्थ्य से हमें भरे। और इसलिए बाट जोना, उसकी उपस्थिति में समय बिताना, ये कितना आवश्यक है, क्योंकि हम अपने मन को, अपने प्राण को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, अपने मन को अपनी आत्मा के अधीन करते हैं, और हम अनुमति देते हैं कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमें भरे। आमेन। और फिर आठवें पद में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की भी मृत्यु उसने सहली। तो इस पृथ्वी पर वो कैसे आया? मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को नम्र किया। लिखा है इब्रानियों 4:15 में कि वो हमारे समान था, और हमारे समान वो हर विषय में परखा तो गया पर फिर भी निष्पाप था। उसने वो उदाहरण हमारे लिए रखा कि आज हम विभिन्न प्रकार से अगर परखे जाते हैं, हमारा विश्वास परखा जाता है, पर फिर भी परमेश्वर की सामर्थ्य से हम निष्पाप रह सकते हैं, हम उसकी सिद्धता में ढल सकते हैं अगर हम उसे अनुमति देंगे अपने जीवन में। और लिखा है वो इतना अधीन हुआ, इतना नम्र हुआ कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। पता है उन दिनों क्रूस बहुत ही शर्मनाक एक विषय था। क्रूस की मृत्यु अपमानजनक कहलाई जाती थी। लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे इस शब्द को। जब कोई मुजरिम को क्रूस दिया जाता था उन दिनों, तो लोग ऐसा सोचते थे कि जरूर इसने कुछ बहुत ही घिनौना, बहुत ही गंदा किया होगा कि इसे ऐसी मृत्यु मिली। ये इतना ज्यादा अपमानजनक था। और उसने हमारे लिए क्या किया?
प्रभु यीशु ने ना केवल हम सबके पाप को अपने ऊपर लिया, हमारी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर लिया, यहाँ तक कि उसने उस क्रूस के अपमान को भी अपने ऊपर ले लिया, कि जो उसको जानता भी नहीं था उन दिनों जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, लोग थूकते थे ये कहकर कि जरूर इसने कुछ इतना घिनौना और गंदा किया होगा कि इसको ये क्रूस दिया गया। और उसकी दीनता कहाँ थी? वो शांत रहा। लोग उस पर दोष लगा लगा कर थूक रहे थे और वो नम्र और दीन हुआ, उसने अपना मुंह नहीं खोला। यहां तक कि वो सफाई दे सकता था, वो कह सकता था कि मैं परखा गया हूं, पर मैं निष्पाप हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, पर वो चुप रहा, वो शांत रहा हमारे कारण, हमारे लिए। और उसने आज हमारे सामने एक उदाहरण को रखा कि मेरे सदृश तुम बनो, मेरी समानता में तुम ढलो। वो सबकी नजरों में सबसे नीचा बन गया, तुच्छ जाना गया। मेरे प्रियो, क्यों ना आज हम इन पदों के बारे में ध्यान दें, इन्हें पढ़ें, समझें मसीह के मन को और उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को, कैसे वो दीन बना, नम्र हुआ, उस सारे अपमान को उसने अपने ऊपर लिया। हो सकता है आज हमारे ऊपर लोग दोष लगाते हैं, ऐसी अपमानजनक बातें कहते हैं जिसके हम योग्य नहीं है, पर क्यों ना हम मसीह का उदाहरण अपने सामने देखें, कि हम खुद की सफाई ना दें, वरन ये जान ले कि परमेश्वर हमारा न्यायी है, वो जवाब देगा। हमारा काम है एक दूसरे से प्रेम करना, उन्हें अच्छा जानना, अपने से बेहतर जानना और उनका आदर करना। और ये असंभव है अगर हम अपनी क्षमता में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु खुद अपनी क्षमता में निर्भर नहीं था, वरन उसने अपने आप को परिपूर्ण रीति से पिता के आगे समर्पित किया। आज क्यों ना हम भी परिपूर्ण रीति से समर्पित करें। खुद पर निर्भर मत हो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, इस एकता की हमें आवश्यकता है, इसी के लिए हम बनाए गए हैं, इसी संगति के लिए हम बनाए गए। और अगली शिक्षा में हम देखेंगे कि इस दीनता और नम्रता के बाद, इस आज्ञाकारिता के बाद पिता ने प्रभु यीशु के लिए क्या किया। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे उम्मीद है इन पदों से आपने कुछ नया सीखा है। थैंक यू और बाय।